नमस्कार दोस्तों, धन की बात का एक नया एपिसोड, एक नया टॉपिक। क्या आप घर खरीदने का प्लानिंग कर रहे हैं लेकिन कई सवाल है जो परेशान कर रहे हैं, तो आज का शो आपके लिए है। इसके तीन पहलू है, पहले कैसे प्लान करना, दूसरा कैसे बचत करना और तीसरा अगर ज़रूरत है तो लोन लेना। उसके अलावा जेब को भारी न पड़े वो भी देखना पड़ेगा, कितनी आमदनी है, बिल्डर कैसा है, रेडी पोजीशन है या अंडर कंस्ट्रक्शन, कितना वक्त लगेगा, टाइटल्स क्लियर है कि नहीं, ये सभी प्लानिंग में आएगा। एक दफ़े प्लान बन गया फिर बजट, कितने पैसे चाहिए, डाउन पेमेंट है, अंडर कंस्ट्रक्शन है तो धीरे धीरे पेमेंट करना है, कैश फ्लो क्या होगा, ये सभी तो देखना पड़ेगा। फिर निवेश की बात आती है, अगर निवेश चालू नहीं किया है और अगर घर लेने में थोड़ा वक्त है तो अभी से एक SIP चालू कर लें जो डाउन पेमेंट के लिए काम आएगा। उसके अलावा पोर्टफोलियो में और भी अगर निवेश है, फिक्स डिपॉजिट है, म्यूचुअल फंड है और उसे कोई गोल्स के लिए नहीं किया था तो वो सब पैसे इकट्ठे करके निवेश कर सकते हैं। अब आएगी लोन की बारी, कितनी अवधि की लोन लें, 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, इतनी कम भी ना ले कि EMI इतना ज़्यादा हो कि घर खर्च में दिक्कत आए, इतनी लंबी अवधि भी ना ले कि 15-20 साल तक किश्त भरते ही रहे क्योंकि उसमें ब्याज ज़्यादा देना पड़ेगा। तो ये आपको तय करना है आपके लिए सबसे बेहतर कितनी अवधि है। मेरे हिसाब से 10 या 15 साल ठीक है, ज़्यादातर एक दफ़े घर ले लिया फिर वहाँ पर रहते हैं 20, 25, 30 साल तक, इसलिए ऐसा घर ले जो लंबी अवधि तक रहे आपके साथ। लेकिन ऐसा भी ना करें कि ज़रूरत से बहुत बड़ा घर ले लिया और इतना बोझ हो गया कि और जिम्मेदारियाँ है, उसके लिए पैसे ही नहीं बचे। कानपुर से रमेश श्रीवास्तव जी ने पूछा है, 29 साल की उम्र है, नौकरी पेशा हूँ, 45,000 रुपये हर महीने कमाता हूँ, 2021 तक करीब 40 लाख का घर खरीदना है, इसके लिए किस तरह की प्लानिंग करूँ। देखिए रमेश जी, आपको अगले 3 या 4 साल में घर खरीदना है तो मेरा सुझाव यही है कि एक डेट बेस्ड म्यूचुअल फंड में ज़्यादा से ज़्यादा बचत करें, SIP चालू कर लें। जितनी ज़्यादा रकम की आपकी SIP होगी उतना कम कर्ज लेना पड़ेगा। आप हर महीने 45,000 कमाते हो, क्या खर्च है वो तो मुझे पता नहीं, लेकिन अगर 20,000 भी बचा पाए तो भी बहुत है। उसके बाद में जब घर लेने का वक्त आए तो ये पूरे पैसे निकाल के डाउन पेमेंट कर ले और फिर जो शॉर्टफॉल हुआ उसके लिए लोन दे ले। इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें।